अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हम शर्ट बना रहे हैं तो हम गला काट लेंगे पहले। 7.5 बाई 7.5 इंच का गला है तो हम पहले ये काट लेंगे। गाइस फुल वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आज हम शॉर्टकट गला बनाएंगे और बहुत ही आसान है। ये देखें, कढ़ाई हुई हुई है, हमने प्लीट्स डाले हुए थे फ्रंट बैक पे, कढ़ाई करवाई है और ये गले पे है कढ़ाई। इस तरह गला आना है हमारा, गले पे पाइपिंग होगी, थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा हो गया गला क्योंकि हमने साइज़ के हिसाब से काटा, लेकिन कढ़ाई के हिसाब से थोड़ा कम कर लेंगे हम। तो 7.5 रखा था हमने, 7 इंच अभी रखेंगे, आधी इंच कम कर दिया कि हमने गला चिपका लिया। अभी फोल्ड कर लेंगे छोटे छोटे कट लगा के। गाइज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये गला हमने चिपका लिया, अभी इसको सिलाई लगा लेंगे। कचीला जो हमने फोल्ड किया हुआ था ना, उसको सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान से तरीके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और फुल वीडियो देखें और आपको शॉर्टकट गले का भी पता चल जाएगा। ये उलटाने के बगैर ही हम बनाएंगे, पाइपिंग होनी है तो हम उलटाएंगे नहीं इसको, गले को इस तरह सिलाई लगा लें पहले। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो, अगर बारीक है लोन का कपड़ा है तो वो वैसे भी फोल्ड हो जाएगा, सिलाई लग जाएगी हम जब लगाएंगे साथ साथ। ये जॉर्जेट है तो जॉर्जेट पे पता नहीं चल रहा था कि बुकरम कहाँ है, इस वजह से हमने सिलाई पहले लगा ली है जहाँ तक हमने पाइपिंग करनी है। हम इस तरह इसको सिलाई लगा लेंगे गले को। ये हमने उल्टी साइड पर रखा है, अमूमन गला जो है वो सीधी साइड से उल्टी साइड पर लेके जाते हैं, लेकिन हमने उल्टाना नहीं है इस पर, हम इस्त्री का काम बचाएंगे, हमें इस्त्री नहीं लगानी पड़ेगी इस पर। ये जो हाँ सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर सिलाई हम लगाएंगे, ठीक है जी। ये देखें, अभी आपने एक पॉइंट से कम दबाव रख के आपने काट देना है, मतलब पूरा एक सूत्र जो इंच का होता है ना, उसको सूत्र भी बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट होता है वो, उससे थोड़ा सा कम आपने रखना है। ये हमने कर लिया, इसे भी हेमिंग कर लेंगे इसकी गले की। हेमिंग कर लें आप पहले, फिर पाइपिंग करें, ठीक है, क्योंकि अगर पाइपिंग पहले करेंगे तो कपड़ा हमारा आगे पीछे हो जाएगा। तो तुरपाई का मतलब ये है कि हमारा कपड़ा एक जगह पे रहेगा, पाइपिंग करते वक्त आगे पीछे नहीं होगा। मेरी तो आदत है ये कि मैं गला उलटाऊँ भी तो पाइपिंग के लिए, तो मैं जो तुरपाई है वो पहले कर लेता हूँ, उसके बाद पाइपिंग करता हूँ, क्योंकि हेमिंग वाला जो काम है वो ख़त्म हो जाता है और कपड़ा भी मजबूत हो जाता है हमारा, पाइपिंग करते वक्त मसला नहीं बनता। ये देखें, बड़ी नीट सी तुरपाई करनी है आपने ताकि खुले नहीं। कुछ लोग होते हैं वो इतनी इतनी बड़ी तुरपाई करते हैं तो एक दफ़ा शर्ट पहननी होती है तो तुरपाई सारी खुली होती है। कोशिश करें जितनी नीट हो उतनी करें, ज़्यादा बड़ी बड़ी ना करें। तुरपाई हमने कर ली, अभी पाइपिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। अभी पाइपिंग भी हमने उल्टी साइड से ही शुरू करनी है, सीधी साइड पे हम पाइपिंग रखेंगे और उल्टी साइड से सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे।
जो हमने सिलाई पहले लगाई हुई थी उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी कर लेंगे पाइपिंग। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसको ठीक कर लें। कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, ताकि हमें हमारे काम का थोड़ा पता चल जाए कि हम कहीं से गलत तो नहीं कर रहे। ये गोल पाइपिंग है, बहुत ही अच्छी नीट लुक आएगी इसकी। ये हमने बटन टेक बनानी है नीचे बंद करने के लिए स्लिट, तो हम जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो उसके नीचे रख के हम इसको भी एक सिलाई के साथ ही बंद कर देंगे। सॉरी याद नहीं रहा, हमने बटन टैग बनाई भी है फिर उसी तरह हमने सिलाई फुल लगा ली है, तो अभी हम दोबारा उसको नीचे रख के बंद करेंगे। अच्छा, यहाँ जब आपने बंद करना है आपने खींच के रखना है दोनों कपड़ों को, ऊपर पाइपिंग वाले को भी और नीचे बटन टैग को भी। जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा बंद करने के लिए लगा रहे हैं ना वो हम खींच के रखेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे उसको। ये पाइपिंग हो गई हमारी, अभी बैग का गला बना लेंगे। इसको बैग टीक भी बोला जाता है और ये आपने खींच के लगानी होती है ऊपर वाली, ठीक है, उसकी रैप कटिंग की होती है तो हम खींच के लगाएंगे। अभी सिर्फ एक पैर चौड़ी आपने रखनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी, आप गला काट के भी लगा सकते हैं। ये बाजू हैं इसके प्रिंटेड शिफॉन के बाजू हैं, इसको हमने अंदर पलटा लगाना है चौड़ा रख के। हम ये 3 इंच तैयार लगाएंगे, 4 इंच हमने काटा हुआ कपड़ा, हम इसको सीधी साइड से लगा लेंगे और उल्टी साइड पे हम उल्टा लेंगे इसको। ये किनारे की सिलाई के साथ लगा लें ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ज़्यादा प्रेस लगाने से बेहतर है अगर किनारे की सिलाई से लगा लें। देख के लगाइएगा क्योंकि शिफॉन के बाजू पे पता नहीं चलता उल्टी सीधी साइड का, कुछ प्रिंट है इस पे। हम एक दफ़ा ही प्रेस का काम ख़त्म करेंगे इसलिए बाजू भी साथ बना लिए हैं, क्योंकि बैग गले पे इस्त्री लगानी है तो हम एक दफ़ा ही काम ख़त्म करेंगे। ये देखें पहले बाजू पे प्रेस लगा लें, अभी इस तरह फोल्ड करके ऐसे प्रेस लगा लें। बाजू बेल शेप हैं थोड़े बड़े, या 1/3 इंच अंदर फोल्ड कर दें इसको। गाइस हमने प्रेस लगा लिए, बाजू की तुरपाई भी कर ली है, तो अभी हम बाजू बंद कर लेंगे साइडों से। गला हमारा बन गया फ्रंट का भी बैक का भी, तो अभी साइडें निकालेंगे, पहले बाजू बना लें फिर साइडें निकाल के। बाजू लगाने का भी आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से बाजू लगाए जाते हैं और हमारी बैक कैसे आगे की तरफ आएगी, गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ये ज़रा आपने ख्याल से देखना है। ये कोई कोई ही बताता है, किसी को पता भी नहीं होता, तो हमारा अक्सर जो है ना वो गला पीछे जाता है। तो हम ये साइड निकाल लेंगे, ये
यहाँ से हम साइड निकालेंगे, शुरू करेंगे तो हम दूसरी तरफ जाके हमारी सिलाई जो है वो बाहर निकलेगी। मतलब आपने साइड एक अलग नहीं निकालनी, शोल्डर अलग नहीं जोड़ने, एक सिलाई में ही आपने काम ख़त्म करना है। ठीक है गाइस, ये जब हम काम सीखते तो हमारे वाला साहब जो अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, तो अगर हम सिलाई बाहर निकाल लेते तो वो हमारी ये जो गर्दन नहीं होती यहाँ एक थप्पड़ मारा करते थे। वो कहते थे ऐसे नहीं करते आप लोग, एक ही सिलाई में काम ख़त्म किया करें। तो यहाँ आके हम दूसरी साइड पे ख़त्म करेंगे। अभी यहाँ आपने फ्रंट वाली साइड का आधी इंच का कट दे देना है और बैक का भी आधी इंच का कट दे देना है दोनों तरफ। अभी हमने बाजू लगाने हैं, तो बाजू आपने जो बाजू की सिलाई होनी है ना वो आपने फ्रंट वाली साइड पे आधी इंच आगे रखनी है सिलाई बाजू की। ठीक है, सिलाई के साथ सिलाई बराबर नहीं रखनी, आपके जो बाजू की सिलाई है वो फ्रंट पे आधी इंच आए। और यहाँ से जो आपने बाजू का सेंटर है वो बैक पे आधी इंच छोड़ना है। मतलब सिलाई के साथ बराबर नहीं रखना, इससे ये होता कि आपका अगर आप सिलाई के बराबर रखते हैं तो आपका गला पीछे जाएगा। ठीक है, और अगर आप बाजू का सेंटर जो है वो बैक पे आधी इंच रखते हैं तो आपका जो गला है वो आगे की तरफ ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम ये दूसरा बाजू भी लगा लेंगे इसी तरह। बाजू वाला कपड़ा आपने नीचे की तरफ ही रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना, क्योंकि इसमें नम आती है। तो हम ऊपर वाला खींच के रखेंगे और नीचे वाले को नम दे के रखेंगे। बाजू हमने लगा लिए हैं, अभी इसकी हमने हेमिंग करनी है दामन चाक, तो हम वो फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।